गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज का चैप्टर 1, जो कि हमारा है द लास्ट लेसन, ठीक है। ये हमारा तीसरा भाग है और इसमें हम लोग आगे के पैराग्राफ्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आगे के पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है, तुरंत मत कोशिश करिए कि वीडियो को स्किप कर दूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट देखने से आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। जब आप चीज़ों को फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद में यह निर्णय लें कि आपको समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अच्छी क्लास बहुत ही अच्छे से। देखिए भैया, हम लोग यहाँ 1 स्ट्रोक तक पढ़ चुके थे। अब शुरुआत करते हैं आफ्टर द ग्रामर से। तो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ठीक, यानी हमारा एक पार्ट लेखन में हुआ। दैट डे यानी उस दिन यम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर आस। उस दिन यम हेमल के पास हम सभी के लिए नई नई कॉपियाँ थी, ठीक है, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ठीक, यानी ब्यूटीफुल सुंदर चक्राकार शैली में लिखी हुई। फ्रांस अलसास, फ्रांस अलसास, यानी उस दिन यम हेमल के पास हम सभी लोगों के लिए कॉपियां थी और उस कॉपियों में सुंदर चक्राकार की शैली में फ्रांस अलसास लिखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ठीक, दे लुक्ड लाइक वे दिख रहे थे, लिटिल फ्लैग यानी छोटे झंडों की तरह फ्लोटिंग एवरीवेयर यानी सभी जगह लहराते हुए, ठीक, वे छोटे झंडे की तरह सभी जगह लहराते हुए स्कूल के कमरे में दिख रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड, ठीक, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क यानी जो बेंच होती है तो हमारे डेस्क के ऊपर छड़ों से लटके हुए। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वॉक। You ought to have seen, आपको देखना चाहिए था, how everyone set to work, कैसे सभी लोग अपने काम में लग गए। And how quiet it was, और कितनी शांति थी यहाँ। The only sound was scratching of the pens over the papers. द ओनली साउंड वॉज स्क्रीचिंग यानी केवल, ठीक है, पेपर पर पेन की रगड़ने की आवाज़ थी। वंस सम बीटलेस फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, ना ही सबसे छोटे बच्चों ने ध्यान दिया। हु वॉक्ड राइट, जो काम करने में लीन थे यानी जो लीन थे। ऑन ट्रेसिंग यानी चित्र बनाने में, दियर फिश हुक्स यानी जो मछली के कांटे की चित्र बनाने में लीन थे। एज इफ दैट, ऐसा मानो कि, वॉज फ्रेंच टू, ऐसा मानो जैसे वह फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ यानी छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, ऑन द रूफ यानी छत पर द पिजन्स कूड वेरी लो, ठीक, बहुत ही धीमी आवाज में छत पर कबूतर गुटुर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यहाँ पर और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम राइटिंग, जब कभी भी, ठीक, यानी जब भी मैंने लिखते हुए यम हेमल को देखा। आई सॉ यम हेमल, मैंने यम हेमल को देखा। सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर यानी अपनी चेयर पर शांत बैठे हुए। एंड गेजिंग फर्स्ट, ठीक, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर थिंग, और एक टक देखते हुए एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को, ठीक है। एज इफ, ऐसा मानो, ही वॉन्टेड टू फिक्स, ऐसा मानो कि वह फिक्स कर लेना चाहते थे। इन हिज माइंड यानी अपने दिमाग में, जस्ट हाउ कि कैसे, एवरीथिंग यानी सब कुछ, ठीक है, लुक्ड यानी दिखता था इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वह अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते थे कि कैसे, ठीक है, सब कुछ उस स्कूल के छोटे कमरे में दिखता है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर देखिए फैंसी, जरा सोचो फॉर 40 ईयर्स यानी 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर, वे वहाँ थे इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। जरा सोचो कि वे 40 वर्षों से उसी स्थान पर थे विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, ठीक यानी उनकी खिड़की के बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास रूम इन फ्रंट ऑफ हिम और उनके सामने उनकी कक्षा। जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही थे। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन, ओके ओनली द बेंच एंड डेस्क, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंच हैड बीन वर्न स्मूथ यानी चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री यानी अखरोट के पेड़ इन द गार्डन यानी बगीचे में वर टैलर अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो एंड द होप वाइन और होप वाइन का वृक्ष दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जो उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ यानी खिड़की को लपेटते हुए छत तक पहुँच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ठीक हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यह सब छोड़ने पर उनका हृदय ठीक किस प्रकार टूटा होगा। पुअर मैन यानी बेचारे गुरुजी, टू हियर हिज सिस्टर यानी अपनी बहन की आवाज़ सुनकर, मूविंग अबाउट यानी जाने के लिए, इन द रूम अबाउट पैकिंग यानी अपनी बहन की आवाज़ सुनते हुए और पैकिंग देयर ट्रंक्स और अपनी ट्रंक को पैक करते हुए, फॉर ठीक क्योंकि दे मस्ट लीव क्योंकि वे छोड़ने वाले थे, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि अगले दिन वे देश छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द करेज लेकिन उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन यानी प्रत्येक पाठ सुनने का, टू द वेरी लास्ट लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री हमारा एक इतिहास में एक पाठ हुआ, एंड देन द बेबी चैंटेड ठीक और फिर बच्चे चैंटेड यानी बोले, दियर बा बेबी बो बू ठीक डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम द ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल यानी बेबी चेंटेड यानी बच्चे बोले, देयर बा बी बू बू ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पीछे बैठे हुआ ओल्ड हाउसर यानी बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल ठीक अपने चश्मे को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स और अपने जो किताब लाया था भजन वाला ठीक है, भजन की किताब बाल पोथी जिसे कहते हैं, तो होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स और अपने उस भजन की किताब को दोनों हाथों में पकड़ लिया ठीक है, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम और उन्हीं शब्दों को उनके साथ दोहराने लगा, यू कुड सी दैट ठीक यू कुड सी दैट आप देख सकते थे कि ही टू वॉज क्राइंग वह भी रोने लगा था, हिज वॉइस ट्रेम्बलेड यानी उसकी आवाज़ें कांपने लगी थी, विथ इमोशंस यानी भाव से भाव विभोर होकर उसकी आवाज़ कांपने लगी थी, एंड इट वॉज सो फनी और यह अत्यधिक मजाकिया था, टू हियर यानी सुनने में, हिम यानी उसे, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ ठीक उसे सुनकर हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट द लास्ट लेसन ओ हाउ वेल कितनी अच्छी तरह से आई रिमेम्बर इट मुझे याद था, दैट लास्ट लेसन यह लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद था, ऑल एट वंस अचानक द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 ठीक है यानी चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन द एंजेलस ठीक है फिर प्रार्थना करने वाले, एट द सेम मोमेंट और उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल और उसी समय ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन
रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय पर्शियन सैनिक के तुरहिया की आवाज़, ठीक तुरहिया बजने की आवाज़ें जो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी अभ्यास से लौटते हुए साउंडेड, ठीक यानी सुनाई दे रही थी अंडर आवर विंडो यानी हमारे खिड़की के नीचे से ही। यम हेमल स्टूड अप, यम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, ठीक बहुत ही शांत या दुखी कह सकते हैं आप, ठीक है, इन हिज चेयर, ठीक अपने कुर्सी से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। यहाँ पर लंबा का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ, ठीक मैंने कभी उन्हें आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वास नहीं देखा था उनमें। माई फ्रेंड मतलब मेरे मित्रों या मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, आई कहा उसके बाद में, ठीक समथिंग यानी किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया यानी वे आगे नहीं बोले। ही कुड नॉट गो ऑन, ठीक वे अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ठीक है और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज, जितना बड़ा, ठीक ही कुड जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। विवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ओके देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट, फिर वे रुक गए। एंड लीन्ड और झुका लिया हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें एक इशारा किया विथ हिज हैंड्स अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड यानी स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, ठीक अब आप जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को, ठीक इसकी हिंदी समरी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और ये हमारा चैप्टर जो है ये समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है केवल इसके क्वेश्चन और आंसर्स को, ठीक है तो इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे सभी जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा यानी आपको कितना परसेंट समझ में आया, कमेंट जरूर कर दीजिए एक बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है ज़रूर कमेंट कर दीजिए भैया, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने प्रोज के चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन के शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आंसर्स हमारे होंगे, ठीक है क्वेश्चन एंड आंसर्स को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमॉरो माय फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।